हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका बिहार लाइफस्टाइल एंड कुकिंग चैनल में। आज मैं बिल्कुल हल्दीराम की तरह नमकीन रेसिपी लेकर आई हूं, जिसे मैंने बिल्कुल बाज़ार में मिलने वाली नमकीन की तरह बनाया है और बहुत इजी तरीके से बनाया है। तो चलिए देख लेते हैं कि मैंने इसे कैसे बनाया है। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने एक कप मैदा लिया है, जिसे पहले से छान लिया है। इसमें ऐड करी एक चम्मच कलौंजी, जिसे मंगरेला भी बोलते हैं, एक चम्मच नमक। मैं यहाँ कोई बेकिंग पाउडर का यूज़ नहीं कर रही। एक चम्मच इसमें रिफाइन ऑयल ऐड करेंगे, इसकी जगह पे आप बटर या घी भी ले सकते हैं। इसे बराबर से मिक्स करेंगे। इसे इतने अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि इसका अगर हम गोला बनाएं तो ये अच्छे से बंध जाए। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट तरीके से मिक्स हो चुका है। आटा हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिक्स हो चुका है। इसका डो बना लेते हैं और 2 मिनट के लिए इसे रेस्ट पे रखते हैं। आप देख सकते हैं इसे मैंने पतले स्लाइस में बेल लिया है और इसे कट कर लिया। आप अपने चॉइस के मुताबिक इसे कट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आटे के डो को जो मैंने बनाया था वहाँ पे कैमरा ऑन करना भूल गई थी, तो उसके लिए सॉरी। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने नमकीन को कट कर लिया है। इसे फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन लिया है, इसमें ऐड किया मैंने रिफाइन ऑयल। आप अपने चॉइस के मुताबिक ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें थोड़े थोड़े नमकीन को हम ऐड करेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे। इसे ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, बराबर से मिक्स करते हुए इसे फ्राई करेंगे। अगर इसे हम ज़्यादा डार्क ब्राउन कर देंगे तो इसका स्वाद ही अलग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, नमकीन हम सब बनाते हैं, क्या मुँह में घुल जाने वाली नमकीन आपने कभी ट्राई किया? इस ट्रिक को फॉलो करके आप भी नमकीन बनाइए। बहुत ही खस्ता, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी और झटपट से भी बन जाएगी। आप देख सकते हैं मैंने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई किया है। इसे ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है। देख सकते हैं नमकीन हमारी फ्राई होकर रेडी हो चुकी है। इसे मैंने छन्नी में निकाल लिया है। इसे किसी बर्तन में ट्रांसफ़र करते हैं, फिर बाकी नमकीन को ऐसे ही बारी बारी से ऐड करते हुए हम फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, बिल्कुल हल्दीराम की तरह ये नमकीन बन के रेडी होती है, तो इसे एक बार आप ज़रूर ट्राई करिए। आज की मेरी नमकीन रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिएगा। ऐसे ही बारी बारी से ऐड करते हुए सारे नमकीन को हम फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं सारे नमकीन को मैंने फ्राई कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त ये नमकीन बन के रेडी हुई है। फ्रेंड्स, अगर बहुत ही कम समय में बहुत ही खस्ता नमकीन आप भी बनाना चाहते हैं तो इस ट्रिक को फॉलो करके एक बार नमकीन ज़रूर ट्राई करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलती हूँ नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।